नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सामान्य ज्ञान पर आधारित 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य जो वन लाइनर फॉर्म में है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरे यूपी का जो सामान्य ज्ञान है उसका निचोड़ है इसमें। और लगभग हर परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होती है उसमें इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने डिकोड एग्ज़ाम के बारे में कई बार बताया है और आपसे आग्रह भी किया है कि डिकोड एग्ज़ाम जो हमारा दूसरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिकोड एग्ज़ाम पर व्यवस्थित ढंग से डेली करंट अफेयर्स के बड़े मुद्दे, उसके अलावा यूपी का जीके, यूपी का सेंसस अभी रिसेंटली अपलोड किया है, तो वहाँ पर जो है व्यवस्थित तरीके से ये सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डिकोड एग्ज़ाम नाम से आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको तुरंत जो है चैनल मिल जाएगा। और दोनों ही चैनल पर जो है महत्वपूर्ण जो भी वीडियोज़ हैं उनसे लाभान्वित होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाली घास को वहाँ पर स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बुंदेलखंड में जो घास पाई जाती है उसको वहाँ स्थानीय स्तर पर चिलास नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है सीमा बनाने वाला राज्य है और वो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले हैं जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भदोही है, जिसका पुराना नाम संत रविदास नगर था। अब इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ किताबों में इसको हापुड़ लिखा गया है, लेकिन अभी मैं अगली स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। आप इसको कन्फर्म करने के लिए आप ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद वाली जो सरकारी वेबसाइट है, जो आज की डेट पर जो उसमें इंफॉर्मेशन है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, एक एक जिले के बारे में उनके प्रोडक्ट के बारे में लिखा गया है। तो भदोही के बारे में लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है। तो इसलिए चूंकि ये उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है और ये नवीनतम वेबसाइट है, ऐसा भी नहीं कि पुराना है, ये आज का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद जो है वो संत रविदास नगर या भदोही ही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमने पढ़ा कि वो कौन सा है, बलिया था, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। उत्तर प्रदेश में भोंटा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो भोंटा मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी बहुत सीमित मात्रा में पाई जाती है, तो ये लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाती है। गंगा नदी से राम गंगा किस स्थान पर मिलती है, यानी गंगा नदी और राम गंगा का संगम उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? ये संगम कन्नौज के पास में होता है। बेतवा नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। और रामगंगा के बारे में जो बताया गया, रामगंगा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमती नदी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, और उत्तर प्रदेश की फुलहर झील है जो कि पीलीभीत जिले में है, यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है।
उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण 6.09% है। ये जो अभी लेटेस्ट जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2017 आई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.09% है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण कितना है? 3.08%। और इसको आप जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश में वनावरण प्लस वृक्षावरण निकल आएगा कि कितना है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सघन वन है, सबसे ज़्यादा घने हुए बसे हुए वन है, वो कहाँ पर हैं? वो लखीमपुर खीरी जो जिला है उसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। कहाँ पर ये है पूछा जा चुका है कई बार, कन्नौज जिले में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, जो पुराना नाम था। अब अगर जो है पूछा जाएगा तो उसका नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव, इसका पुराना नया नाम है। और 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी ये प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, इसी नाते ये सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं? तो अभी अभी गोरखपुर में एक नया चिड़ियाघर जो है बना है, जिसकी आधारशिला रखी गई है। तो इस तरह से अब ये संख्या 3 हो गई है, लखनऊ और कानपुर में पहले से ही था। और अगर कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है कानपुर में जो एलन जू फॉरेस्ट है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में है। पटना वन्यजीव विहार कहाँ पर है? एटा में। और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी है। चित्रकूट में स्थित वन्यजीव विहार कौन सा स्थित है? चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार स्थित है। कछुआ वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? कछुआ वन्यजीव विहार, यहाँ पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है, ये है वाराणसी में, यानी बनारस में। महोबा में स्थित वन्यजीव विहार का नाम क्या है? महोबा में विजयनगर वन्यजीव विहार स्थापित है। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर जिले में है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? महोबा में, क्योंकि महोबा जो है वर्ल्ड लेवल पर पान के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, इसलिए पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में। उत्तर प्रदेश में पुष्प इत्र यानी फूलों से इत्र बनाया जाता है, प्राकृतिक इत्र बनाया जाता है, कहाँ पर? कन्नौज में, जो कि वर्ल्ड फेमस है अपने इत्र के कारण पूरे विश्व में। आगे देखते हैं, देश के प्रथम दुग्ध संघ, देश का प्रथम दुग्ध संघ कौन सा था? लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कौन कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो है 144 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर या सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। रामगंगा परियोजना कहाँ पर स्थापित है? रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में स्थापित है। किस नदी पर स्थापित है? तो उसका नाम ही है रामगंगा परियोजना, यानी वो रामगंगा नदी पर स्थापित है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी जिले में है, और झांसी में किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हीरा प्राप्त होता है कहाँ कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में वैसे हीरे का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में बांदा और मिर्जापुर जिलों में हीरा जो है प्राप्त होता है।
उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कन्नौज है, क्योंकि अगर प्रतिशतता शब्द हटा देंगे तो इसका उत्तर बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला, यानी सबसे कम जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी पाई जाती है, यहां प्रतिशतता की बात नहीं हो रही है, यहां पर जनसंख्या की बात हो रही है, तो बागपत जिले में सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आरंभ हुआ था। जब इसका आरंभ हुआ था तो ₹35,000 प्रति जोड़े को शादी के समय दिया जाता था। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसको बढ़ाकर ₹51,000 प्रति जोड़ा कर दिया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए। मुख्यमंत्री समग्र विग्राम विकास योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य में कब किया गया था? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश न्याय ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 16 दिसंबर 2017 को। योजना चाहे जितनी पुरानी हो जाए, उसकी डेट, उसका ईयर जो लागू करने का है, कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए योजनाओं में करंट अफेयर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। योजना जबकि भी हो, अगर वो महत्वपूर्ण योजना है और खासकर जो है पूरे प्रदेश को अगर वो कवर कर रही है, कोई स्थानीय योजना नहीं है, तो वो पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी कहाँ पर है? अब इसको क्या लिखेंगे, अयोध्या में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में है। भिखारियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भिखारियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन है, यानी सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ रहते हैं? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति गोविंद माथुर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार पहले हम तो समझ ले कहाँ से कहाँ है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच उत्तर प्रदेश जो है अक्षांशीय रूप से फैला हुआ है इस स्थिति में। तो अगर इनका अंतर निकाला जाएगा 7 डिग्री 36 मिनट इसका अंतर आएगा, तो इसको हम कहेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब इधर से इधर का विस्तार। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार मतलब यहाँ से यहाँ पे, जो कि देशांतर इस तरह से चलते हैं, और अक्षांश वाला सॉरी इधर था, वो मैंने गलत बता दिया, अक्षांशीय विस्तार इधर से, देशांतरी इधर से। तो उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट, और ये उसकी स्थिति हुई है, देशांतरों के बीच में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की कुल संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार, थोड़ा सा ये प्रश्न विवादित है, कहीं कहीं पर आप 12 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे पक्षी विहारों को वन्य जीव विहार के रूप में अब सूचीबद्ध कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 पक्षी विहार हैं। द मिलियन फार्मर्स स्कूल, जिसको किसान योजना, किसान पाठशाला योजना कहते हैं, इसका शुभारंभ कब किया गया था? प्रदेश में 5 दिसंबर 2017 को किया गया था। इसमें क्या लक्ष्य था कि कम से कम 1 मिलियन किसानों को शिक्षित करना, जागरूक करना खेती के तरीके और वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो आपको याद होगा फ्रांस के जो है राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों लोगों ने इसका
उद्घाटन किया था। विजयनगर नामक गांव है मिर्जापुर जिले में, जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र या सोलर प्लांट स्थापित किया गया था। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, यानी ऐसा जिला जिसकी सीमाएं अपने ही प्रदेश की बात हो रही है, अपने ही प्रदेश के अन्य जिलों से सबसे कम लगती हैं। तो आपने देखा होगा, ये देखिए ललितपुर यहाँ पर लटका हुआ है, तो ललितपुर की सीमा मात्र जो है झांसी टच होती है, तो झांसी टच होने का मतलब केवल एक जिले से ये टच करता है। आगे देखते हैं, प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। अब उसका विपरीत क्वेश्चन, ललितपुर केवल एक जिले को टच करता है उत्तर प्रदेश में जिलों को, और उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कई सारे जिलों को, यानी सबसे अधिक, बदायूं जिला जो अपने सीमा में चारों तरफ से 9 जिलों को टच करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने, दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, जब केवल राज्य शब्द लिखा हो तब 8 आपको बताना है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सब लिखा हो तो उसमें 1 और जुड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उसकी सीमा टच होती है। देश में सर्वाधिक पोस्ट ऑफिसों की संख्या कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, यानी सबसे ज्यादा जहां पर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, वो जिला है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम बरसात, जो औसत बरसात वार्षिक होती है वो कहां पर नापी जाती है, तो वो मथुरा में होती है सबसे कम वर्षा। उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष जनसंख्या का अनुपात क्या है, यानी सीधा सीधा कह ले तो लिंगानुपात क्या है, 912:1000, ये जो है स्त्री पुरुष लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है, 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या या अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, 22.27% जो है अर्बन पॉपुलेशन है। अब इसको 100 में से घटा देते हैं तो 77.73% क्या है, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में महिला जीवन प्रत्याशा क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 65.4 वर्ष है। अब पुरुषों की भी जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं, तो पुरुष जो है महिलाओं से कम जीवन प्रत्याशा है, ये चीज याद रखिएगा, 62.9 वर्ष जो है ये पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है कितना है, ये पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अनुसार 67.7% उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग क्षेत्रों में बांटा जाता है। अब वो 4 क्षेत्र कौन हैं, तो पूर्वी क्षेत्र जिसमें पूर्वांचल के जिले हैं, पश्चिमी क्षेत्र जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, केंद्रीय में जो है जो बीच का उत्तर प्रदेश है उनके जिले आते हैं, और चौथा स्पेशल है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हो गए, 4 हो गए। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता की दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर 57.2% या 57.2% उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर है। अब पुरुषों की साक्षरता दर 77.3 यानी 77.3% जो है ये पुरुषों की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो एसटी आबादी वाला
सबसे बड़ा जिला कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा एसटी आबादी है? सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम को कितने हैं? 17 नगर निगम है, जिसमें आखिरी नगर निगम या 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर, जो अभी हाल ही में जो है नगर निगम बना है। जनपद संत कबीर नगर का मुख्यालय, तो दोस्तों कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लगभग 8 जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय मतलब जिले के नाम से अलग है। जैसे संत कबीर जिला है तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? खलीलाबाद में। इसी प्रकार से सोनभद्र का मुख्यालय, जनपद सोनभद्र का मुख्यालय क्या कहलाता है? रॉबर्ट्सगंज कहलाता है। जनपद संभल का जो मुख्यालय है वो पवानसा में है। तो इस तरह से मुख्यालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको भी याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में सर्वाधिक 12 सीटें विधानसभा की हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संपूर्ण संख्या कितनी हो गई? तो संपूर्ण संख्या की बात करें तो 404 जो है संपूर्ण संख्या है, जिसमें से 403 पर निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और एक सीट किसके लिए होती है? एंग्लो इंडियन की, यानी जो राज्यपाल महोदय हैं वो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन करते हैं एक सीट के लिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में? 17। और अगर अनुसूचित जनजाति या एसटी की बात करें तो 0 सीट्स, यानी कोई भी सीट लोकसभा में उनके लिए आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा रेखा के साथ कुल कितनी लंबाई है? तो 579 किलोमीटर या 579 किलोमीटर लंबाई उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा की एक साथ लगती है। बिहार के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में। तो इसका गठन 9 मार्च वर्ष 1993 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का कब गठन किया गया था, यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन 7 अक्टूबर वर्ष 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो एग्रीकल्चर को जो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है उनकी संख्या कितनी है? 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र यानी सॉयल के जो ग्रुपिंग के आधार पर जो जोन्स में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, तो वो कितने हैं? 8 है। मृदा समूह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कुल 8 हैं। आगे चलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड जो रीजन बिल्कुल एक अलग क्षेत्र की तरह दिखाया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, 1999-2000। इसका मतलब क्या हुआ? ये वित्तीय वर्ष लिखा है कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में इसका शुभारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक झील है नौह झील, तो ये नौह झील कहाँ पर स्थित है? नौह झील मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है सई नदी, इस सई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है भिजवान झील, हरदोई जिले में जो है भिजवान झील से सई नदी निकलती है।
उत्तर प्रदेश में औंधी ताल कहाँ पर स्थित है? औंधी ताल वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भूजल दिवस 10 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में वनावरण और वृक्षावरण 9.1% है, यानी टोटल फॉरेस्ट कवर जिसमें वृक्षावरण और वनावरण दोनों शामिल है। और अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में कहें तो 22,121 स्क्वायर किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण है। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में यानी 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में ओकर आप जानते हैं गेरू, तो गेरू जो होता है ये भी एक खनिज संपदा ही माना जाता है, तो गेरू कहाँ पर पाया जाता है? तो गेरू पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक जगह प्राप्त होता है, बांदा में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना यानी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है ये प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च 1998 में प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, कौन सा है? तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कहाँ पर है, ललितपुर जिले में है। पूछा जा सकता है दोनों तरीके से कि अगर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार दिया है तो जिला पूछा जा सकता है, या सीधे सीधे पूछा जा सकता है सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण यानी मोरों के संरक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित है, विशेष केंद्र, वो कहाँ पर है, वृंदावन में है। बखीरा पक्षी विहार, ये एक पक्षी विहार है जो बखीरा नामक स्थान पर, इसका नाम है बखीरा पक्षी विहार, ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर में, जिसका पुराना नाम क्या था, खलीलाबाद, तो वहाँ पर ये है। प्रयागराज स्थित एयरपोर्ट का नाम क्या है, यानी प्रयागराज में जो हवाई अड्डा है उसको किस नाम से जानते हैं, बमरौली हवाई अड्डे के नाम से उसको हम जानते हैं। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया था, क्या नाम रखा गया था, दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा इसको कर दिया गया था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है, गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय नोएडा में है, और यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, 80.1% गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर है, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, अभी हमने अधिकतम जनघनत्व देखा था, न्यूनतम जनघनत्व कौन सा है, ललितपुर का, कितना है, 242 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में ललितपुर में रहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनघनत्व है। साक्षरता दर के क्रम में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, यानी अगर साक्षरता दर की राज्यवार जो है एक सूची बनाई जाए भारत के सभी राज्यों की, तो उसमें उत्तर प्रदेश किस क्रम में आता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 29वां स्थान है 67.7% के साथ में, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में चौलर नृत्य और त्यौहार बहुत पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, तो ये चौलर नृत्य कहाँ का है, ये मुरजापुर और सोनभद्र क्षेत्र में विशेषतया जो है वहाँ पर ये चौलर नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये कालिंजर मेला काफ़ी फेमस है, जो कि बांदा में आयोजित होता है।
सुलाइकुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बहुत फेमस है, जिसको हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार भी कहते हैं और काफ़ी पुराने समय से इसकी हिस्ट्री रही है। तो ये सुलाइकुल महोत्सव जो है आगरा जनपद में मनाया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। दशहरा के अवसर पर नकटैया मेला, नकटैया मेला कहाँ पर लगता है तो वाराणसी वाले जानते होंगे, ये वाराणसी में चेतगंज नामक स्थान है, वहाँ पर ये नकटैया मेला लगता है। राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। महर्षि दधीचि आश्रम एवं सीता कुंड स्थित है कहाँ पर, तो महर्षि दधीचि का आश्रम और सीता कुंड ये दोनों ही जो है तीर्थ स्थल ऐतिहासिक स्थल जो स्थित हैं, मिश्रिख नामक स्थान है किस जनपद में, सीतापुर में। सिराजे हिंद ये उपाधि है एक जिले की, या पूर्व का सिराज, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नगर जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में जो है इनकी गणना की जाती है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान कौन सा जिला है, शाहजहांपुर। जितने भी बड़ी हस्तियां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कलाकार इस तरह के हैं, ये अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या उनका जन्म स्थान यहाँ पर है तो उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तेज बहादुर सप्रू इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक अखबार कौन सा था, पहला हिंदी दैनिक अखबार था बनारस अखबार, जिसका प्रकाशन 1854 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसका गठन हुआ था 1975 में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CDRI कहते हैं, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है CDRI कहाँ पर स्थित है, CDRI लखनऊ में स्थित है। पथारी जनजाति एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, पथारी जनजाति इसका नाम है, इसका स्थान कहाँ पर है यानी ये मूल रूप से कहाँ पर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये सोनभद्र जिले में निवास करते हैं, सोनभद्र में अधिकांश जो है जनजातियाँ निवास करती हैं। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये कहाँ पर है, भदोही, और भदोही जिले का दूसरा नाम क्या है, संत रविदास नगर, भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। सिद्धार्थ नगर जो जिला है इसका मुख्यालय कौन सा है, तो सिद्धार्थ नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, नौगढ़, नौगढ़ नामक वहाँ पर स्थान है, वहाँ पर जो है सिद्धार्थ नगर जिले का हेडक्वार्टर बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है उसको हम सभी जानते हैं कि इसका नाम क्या है, नोएडा, लेकिन कभी क्या नोएडा के फुल फॉर्म पे आपने विचार किया है, हो सकता है बहुत सारे लोग आप जानते हो, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। चल आगे देखते हैं फैक्ट्स को। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ संस्थान या यूं कह लीजिए नेशनल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इसको पूरा नाम जो है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबियल डिजीजेज, ये कहां पर स्थित है, आगरा में स्थित है, और इसको प्रसिद्ध रूप से जालमा संस्थान कहा जाता है, जबकि पूरा नाम जो है आपने ये देखा इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो सबसे प्रमुख केंद्र दिया सलाई उद्योग का उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है, बरेली। द ऑपरेशन ग्रीन, हरित कवर को बढ़ाने के लिए, ग्रीन कवर को प्रदेश में बढ़ाने के लिए द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना प्रारंभ की गई थी, कब शुभारंभ हुआ था इसका, वर्ष 2001 में।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो कहीं कहीं अगर जो है आप थोड़ी सी जो है आउटडेटेड किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको थारू या अन्य कोई जनजाति दिख जाएगी, लेकिन प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह पूछा गया है, ना कि कोई एक सिंगल जनजाति। तो सबसे बड़ा जनजाति समूह क्या है? गोंड। गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति समूह है। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजहर जो पर्व है ये थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और थारी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है निवास करती है। पीतल के बर्तन और धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उस जिले को क्या कहते हैं? पीतल नगरी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि पीतल का जो है लगभग जो सारा कारोबार है वहां पर होता है। तो मुरादाबाद, मुरादाबाद ही पीतल नगरी है, जहां पर पीतल के बर्तन और धातु पात्र का जो है निर्माण होता है विभिन्न प्रकार से। मार मृदा या मार मिट्टी ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मार मृदा या मार मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में पाई जाने वाली सीमित जो है क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, कितना है? 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। राहुला एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राहुला लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित एक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो औद्योगिकीकरण के कारण, भारी औद्योगिकीकरण के कारण, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां वहां पर स्थापित हैं, इसलिए कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहके उपनाम संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान यानी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहां पर है? रायबरेली जिले में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये चारा संस्थान कहाँ पर है? झांसी जिले में है। कई बार, कम से कम 7-8 बार तो जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की नींव रखी गई है या स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध इमारत है अटाला मस्जिद, क्योंकि इस मार्कों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अटाला मस्जिद किस जिले में है? अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सरदल अखबार था, जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी आप जानते हैं कि भारत के जो है क्रांतिकारियों में उनका नाम शुमार है। तो उत्तर प्रदेश गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे और क्रांतिकारी तो थे ही, तो पत्रकारिता में क्षेत्र में इनके नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 20। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 4 जो है डिविजन्स में बटा है, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड। तो जो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं? 20 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन सेंटर, आर्मी का एविएशन सेंटर कहां पर स्थित है? ये झांसी जिले में स्थित है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा, कुंडा कहां पर है? कुंडा नामक जगह आप जानते हैं प्रतापगढ़ में है। इसका पुराना नाम क्या था?
भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार तो नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? बेंती पक्षी विहार। बेंती पक्षी विहार नाम से ही जो है ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना नाम था। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में विस्तारित है। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जिसको 1631 में किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो ये सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, 1631 में इसका निर्माण हुआ था। प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई रायबरेली जिले में है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिशु लिंगा अनुपात कितना है? 906 है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो शिशु लिंगा अनुपात है वो कितना है? 906। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के आबादी का प्रतिशत कितना है? 0.6% प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, जो अपने तरह का एक अनूठा संग्रहालय है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन या स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई सन 1972 को किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी पुराने पुराने विश्वविद्यालय हैं, जिनकी स्थापना काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। बुक्सा या भोक्सा, ये एक ही जनजाति के दो नाम है, कहीं पर बुक्सा आपको लिखा मिलेगा, कहीं पर भोक्सा मिलेगा। तो ये बुक्सा या भोक्सा जनजाति जो है, इसका निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका निवास स्थान प्रमुख रूप से बिजनौर और आगरा के कुछ क्षेत्रों में ये निवास करती है जनजाति। भातखंडे संगीत संस्थान, उत्तर प्रदेश का भातखंडे संगीत संस्थान या संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कई बार जो है लोक सेवा आयोग के प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थापित है। आगे झादी ताल, झादी ताल जो है एक ताल है, ये कहाँ पर है? ये खीरी जिले में है। अब प्रश्न क्या है, खीरी जिले के किस वन्यजीव विहार में ये झादी ताल स्थित है? तो खीरी जिले के किशनपुर वन्यजीव विहार में झादी ताल स्थित है। जिरगो जलाशय बांध कहाँ पर है? तो ये मिर्जापुर में है। और किस नदी पर है? जिरगो नदी पर है, यानी जिस नदी का नाम जो है जिरगो, उसी के नाम पर जिरगो जलाशय बांध नाम रखा गया है, और ये मिर्जापुर में स्थित है। बकुलाही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बकुलाही नदी उत्तर प्रदेश की इंडिजिनस रिवर है, तो इसकी जो है उत्पत्ति भारतपुर झील से होती है, जो कि रायबरेली जिले में है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है सोन नदी। उत्तर प्रदेश में बलुई मिट्टी के ऊंचे टीलों का स्थानीय नाम क्या है? यानी जो बलुई मिट्टी के जो है ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में भूड़ कहते हैं, भूड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सोनाकर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी पूछी जाती है। सोनाकर पहाड़ी मिर्जापुर और सोनभद्र में विस्तारित है, यानी दोनों ही जिलों में है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो है सोनभद्र।
सोनभद्र जो है चार स्टेट्स को टच करता है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की जो सबसे कम सीमा रेखा है राज्य की, वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और हिमाचल प्रदेश के साथ जो जिला जो टच होता है वो कौन सा है? सहारनपुर। इसीलिए सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है, जो कि कुल चार स्टेट से अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? बिहार से उत्तर प्रदेश के कुल सात जिले जो है सीमावर्ती हैं, यानी बिहार की सीमा से उत्तर प्रदेश के कुल सात जिले अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ये राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर है, किस जिले में है? राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन, तो तीन प्रमुख कृषि निर्यात जोन है उत्तर प्रदेश में। एक तो आगरा है जो आलू के लिए है निर्यात जोन, दूसरा लखनऊ है क्योंकि लखनऊ में आम की जो खेती है, जो दशहरी आम विशेषकर जो है मलिहाबाद क्षेत्र का, तो दूसरा निर्यात जोन आम का हो गया। तीसरा सहारनपुर, सहारनपुर में भी आम की खेती होती है और वहाँ से निर्यात होता है। तो ये तीन कृषि निर्यात जोन जो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कुछ औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, उसको हम किसी अन्य प्रश्न में आगे आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कृषक बीमा योजना का प्रारंभ 2004 में हुआ था। इसका पूरा नाम है कृषक दुर्घटना बीमा योजना। पयस्विनी नदी, ये पयस्विनी नदी उत्तर प्रदेश की ही नदी है, और ये किस तीर्थस्थल के पास में है, यानी इसके किनारे कौन सा तीर्थस्थल बसा हुआ है? चित्रकूट। चित्रकूट में पयस्विनी नदी बहती है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात हम लोग जानते हैं 912 यानी 912 है प्रति 1000 पुरुष, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात की बात करें तो वो है 918, जो उस जो है कुल से थोड़ा बेहतर है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का शहरी लिंगानुपात यानी अर्बन सेक्स रेशियो क्या है? 894 है, जो 912 जो एक औसत है उत्तर प्रदेश का उससे काफी कम है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर देखें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता दर औरैया जिले की है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में स्थापित है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 यानी 1962 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पांडव किला जो है ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, ये पांडव किला कहाँ पर स्थित है? पांडव किला मेरठ जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो आप जानते हैं कागज का जो प्रमुख उद्योग है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में है। आगे के प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान यानी इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ही फेमस उत्तर प्रदेश का इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है सोनभद्र क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान और गन्ना अनुसंधान परिषद, तो यहाँ पर बात की जा रही उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यानी सुगर केन रिसर्च काउंसिल। तो अगर सुगर केन रिसर्च काउंसिल की बात हम कहते हैं तो ये कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। और वहीं पर अगर इंडियन सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में IISR कहते हैं, ये आ जाता है तो आपको बताना होगा कि ये लखनऊ में स्थित है। भारतेंदु नाट अकादमी की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? भारतेंदु नाट अकेडमी की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना बहुत बार पूछा जा चुका है और खासकर लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में। तो किसान बही योजना का प्रारंभ 1992-93 में हुआ था। जब 92-93 एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब यह होता है कि वित्तीय वर्ष 1992-93 में हुआ था। परहिया जनजाति, ये परहिया जनजाति इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। ये सोनभद्र क्षेत्र में निवास करने वाली, सोनभद्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला बहुत ही फेमस है, वहां पशु मेले का भी आयोजन होता है। तो ये बटेश्वर मेला जो है, ये कहां पर आयोजित होता है? ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है बहुत ही सीमित मात्रा में, उसका नगण्य मात्रा कह सकते हैं, तो बहुत ही सीमित मात्रा में ललितपुर जिले से प्राप्त होता है। आगे देखिए, सुराहा ताल पक्षी विहार, ये सुराहा ताल पक्षी विहार कहां पर है? बलिया में है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, यानी सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? श्रावस्ती में है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में, वो कितने प्रतिशत हुई है? 20.23%। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका ऑफिशियल नाम क्या है? केवल खीरी लिखा जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से उसको लखीमपुर खीरी बोलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, अब जनसंख्या की बात करते हैं, पहले हमने क्षेत्रफल की बात की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो गया? लखीमपुर खीरी हो गया, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? बरेली जनपद में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान, पहले जब ये स्थापित हुआ था तब ये सारनाथ में स्थित था। कई किताबों में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं दोनों फैक्ट बता रहा हूं। जब ये स्थापित हुआ था तो सारनाथ में बना था, लेकिन 1991 में स्थापना के बाद अब लखनऊ में ये स्थानांतरित हो चुका है। तो अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये संस्थान कहां पर है? अब लखनऊ में है। इस तरह का प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तब आप जो है सारनाथ को सही मान सकते हैं। माहीगिरी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान कहां है? तो ये माहीगिरी जनजाति जो है, ये नजीबाबाद नामक स्थान है, कहां पर? बिजनौर जिले में, वो इसका जो है प्रमुख स्थल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केन नदी का प्रवेश कहां से होता है? तो केन नदी जो है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है, और इसका जो प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में, वो बांदा जनपद के थ्रू होता है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था? तो राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली में है, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। कहां पर है ये? एटा जिले में है। पटना नाम से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पटना में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। सेलखड़ी, सेलखड़ी क्या होता है? एक जो है पत्थर होता है, जो बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, जिससे जिसको पीस कर जो है पाउडर बनाया जाता है, जो विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और साबुन बनाने के काम आता है, जिसको हम टैल्क भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सेलखड़ी खनिज जो है कहाँ प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में?
ये हमीरपुर और झांसी डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1969 में हुआ था। काली पलटन मंदिर, नंगली तीर्थ एवं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये तीनों प्रसिद्ध जो स्थल हैं कौन कौन से? काली पलटन मंदिर, नंगली तीर्थ, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये सभी कहाँ पर हैं? मेरठ जनपद में। इसी तरह से हत्याहारण तीर्थ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्नान कर लेता है या दर्शन कर लेता है तो अगर उसके ऊपर जो है किसी हत्या का भी दोष होता है तो वो सही हो जाता है। तो हत्याहारण तीर्थ, सकहा शंकर मंदिर और सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ये तीनों चीजें हरदोई में हैं। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। मुसाकहंद बांध, मुसाकहंद बांध कहाँ पर है? चंदौली जिले में है। और अगर पूछ लिया जाए किस नदी पर बना हुआ है तो मुसाकहंद बांध जो है कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। कर्मनाशा है यहाँ पर। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट या प्रोविंशियल हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? पूछा जा चुका है प्रश्न पहले। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले जो है मथुरा जनपद में लगते हैं। लगभग 86 मेलों का यहाँ पर प्रतिवर्ष आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2008 में। ये प्रोग्राम क्या है? इसमें बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर जो है स्कूलों में जाकर मेडिकल की टीम के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम एड्स चिकित्सालय यानी एचआईवी से पीड़ित जो एड्स के रोगी हैं उनके लिए पहला चिकित्सालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हुआ था? तो कानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है उत्तर प्रदेश का पहला एड्स चिकित्सालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोग किन पांच तराई जिलों में निवास करते हैं? इंपॉर्टेंट है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जनजाति से जिले मिलाने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो थारू जनजाति है ये पांच जिले में ही है और ये पांच जिले कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और खीरी, ये पांच जिले हैं जिनमें थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक एक मदिरा होती है उसको स्वयं बनाकर जो है पीने वाली एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसका नाम क्या है? थारू। थारू जनजाति जो है चावल से जो है एक प्रकार की मदिरा बनाते हैं परंपरागत रूप से और उसको पीते हैं तो उसका नाम क्या है? जाड। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में हुआ था और इनकी वर्तमान अध्यक्षा यानी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है? श्रीमती बिमला बाथम। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम का शुभारंभ 21 दिसंबर 2013 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो राज्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी है, 1937 में स्वतंत्रता के पूर्व ही इसका गठन हुआ था और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 100। यानी उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही यानी 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती अधिनियम पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कब किया गया? पहले क्या कहते थे? पहले इनको पंचायत अदालत कहा जाता था, अब आप सुनते हैं न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायतों का गठन कब हुआ? 2012 में। यानी ये जो नाम बदला गया ये 2012 में बदला गया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे न्यायमूर्ति M.A. खान। और वर्तमान में पूछें
तो जावेद उस्मानी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। बदायूं स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बदायूं में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद नाम से बहुत सारी मस्जिदें आपको मिल जाएंगी कई सारे जिलों में, लेकिन जो बदायूं की है उसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग यानी इंटरनल वाटर हाईवे, जिसको हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो प्रयागराज से हल्दिया यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में किया गया था। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती कुछ जनपद हैं उनमें जो है डेवलपमेंट का काम, खासकर जो है जल व्यवस्था इत्यादि से संबंधित काम हुआ था। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ 1999-2000 में हुआ था। 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना के डाटा यानी 67.7 में से अगर हम 2001 की साक्षरता दर को घटा दें 56.3 को, तो कुल जो वृद्धि हुई है 10 साल में साक्षरता दर में वो कितनी है? 11.4% की वृद्धि पिछली जनगणना से हुई है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, जहां पर जो है पूरे देश की 20.7% अनुसूचित जाति की आबादी निवास करती है। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कहां पर कराई गई? देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में कराई गई, और ये जो वर्षा कराने के लिए जो प्लान किया था, जो कार्यक्रम चलाया था, वो IIT कानपुर ने चलाया था। ये भी फैक्ट जो है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थापित सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? सुदूर संवेदन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। बुनकरों हेतु जैनश्री बीमा योजना PCS प्री में 2-3 बार पूछा जा चुका है। जैनश्री बीमा योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 में हुआ था। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थापित है? जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थापित है, जो वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल कितने फल पट्टी क्षेत्र हैं? तो ये फल पट्टी क्षेत्र जो हैं कितने हैं? 20 हैं। और अगर पूछा जाए कि ये कितने जिलों में विस्तारित हैं, तो ये 15 जिलों में विस्तारित हैं। इनमें से 17 जो है आम के फल पट्टी क्षेत्र हैं, 2 अमरूद के हैं और 1 आंवला के हैं। तो इस तरह से कुल 20 फल पट्टी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में विस्तारित हैं। कन्हार सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थापित है? कन्हार सिंचाई परियोजना सोनभद्र में है, और नदी पूछ ली जाए तो कन्हार नदी पर ये कन्हार सिंचाई परियोजना स्थापित है, प्रायः उसी नदी का नाम दिया जाता है सिंचाई परियोजनाओं में। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा का प्रमुख उद्योग केंद्र या औद्योगिक केंद्र कौन सा जिला है? गोरखपुर। गोरखपुर में टेराकोटा की कारीगरी सबसे ज़्यादा स्थापित है। प्रदेश में पंजीकृत GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इसमें लखनऊ की चिकनकारी जो है इसको GI टैग मिला हुआ है, मलिहाबादी दशहरी आम को मिला हुआ है, और बनारसी रेशम की साड़ी को मिला हुआ है, साथ में आगरा का जो प्रसिद्ध पेठा है उसको भी GI टैग मिला हुआ है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर जो है 7.0% या सीधे सीधे कह लीजिए 7% रही।
उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू कब हुआ था, यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जिस दिन पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था और इसी दिन जो है जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसफार्मर का निर्माण कहाँ होता है, तो ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं इसके निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है वो झांसी है। कहीं कहीं आप झांसी को अकेला लिखा पाएंगे, लेकिन मेरठ में भी सीमित मात्रा में ट्रांसफार्मरों का निर्माण होता है, मुख्य केंद्र झांसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला कौन सी है, तो ये डिजिटल तकनीक पर आधारित, डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित भारत की पहली नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में है, रामपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश के विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन कौन से हैं, नोएडा है, भदोही, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के 5 विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क ये कहाँ पर है, ये इटावा में सैफई में स्थापित है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार पूछा जा चुका है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार किस जिले में है, ये महाराजगंज में है। भारत तथा उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये भारत की भी है उत्तर प्रदेश की भी है, 1903 में प्रतापपुर नामक स्थान किस जिले में, देवरिया में, ये भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल थी। उत्तर प्रदेश में कुल सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, यानी जो एसटी हैं जितनी भी जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में उसमें से 12 को सूचीबद्ध किया गया है और जिसमें से 10 को 2003 में एक साथ सूचीबद्ध किया गया था, उससे पहले केवल 2 जनजातियां जो है सूचीबद्ध थी। सेंट्रल एवियन, एवियन मतलब पक्षी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये इज्जत नगर, जो रेलवे स्टेशन भी है बरेली का उससे लोग ज़्यादा जानते हैं, तो इज्जत नगर बरेली में ये स्थापित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये कहाँ पर है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में स्थापित है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, प्रतिवर्ष एक बड़ा आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन किस जिले में होता है, तो मैंने कल के पार्ट में बताया था कि सबसे ज़्यादा मेले जो है मथुरा में लगते हैं, मथुरा में लगभग 86 मेले जो है आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष, और सबसे कम मेले जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है, ये तो वर्ल्ड फेमस है, शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में स्थित है। क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लहड़ी, इनको फांसी राजेंद्र लहड़ी को कहाँ दी गई थी, गोंडा की जेल में दी गई थी। महाजनपद उत्तर प्रदेश का था सूरसेन, तो ये सूरसेन जो है इसकी राजधानी वर्तमान संदर्भ में कौन सी है, मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य 10% रखा गया था। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है, तो देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी की प्रतिशतता 18.63% है, और इस लिहाज से यानी ग्रामीण आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। ये 18.63% जो है पूरे देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है, ना कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, आगरा और मथुरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वायु अपरदन का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो कागज उद्योग पूरी तरह से जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में सीमित है, और सहारनपुर ही जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कागज का उद्योग का केंद्र है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं,
तो विभिन्न रेलवे जोन के उत्तर प्रदेश में 9 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी औद्योगिक गलियारा यानी ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम कहेंगे पश्चिमी औद्योगिक गलियारा, इनका मिलन कहां पर होता है? दादरी में होता है। कल्कि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? कल्कि महोत्सव का आयोजन संभल डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, प्रसिद्ध है और पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं, माटी कला बोर्ड, कुम्हारों के लिए जो है ये माटी कला बोर्ड बनाया गया है। तो इसका गठन राज्य में कब हुआ? 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश SC & ST कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र जो है इन चारों राज्यों की सीमा को टच करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है? तो सबसे कम गर्मी जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड की जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। सिकटा, करियाल एवं धनका, ये तीनों नाम फिर से सुनिए, सिकटा, करियाल एवं धनका, ये किन मिट्टियों के स्थानीय नाम है जो उत्तर प्रदेश में बुलाए जाते हैं? तो ये दोमट और बलुई मिट्टी के स्थानीय नाम है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी चौंकाने वाले होते हैं जो अब आ जाते हैं। रुहेलखंड का मिनी कुंभ, ये किस प्रसिद्ध मेले को कहा जाता है? क्योंकि उसमें इतनी भीड़ होती है कि उसको रुहेलखंड के मिनी कुंभ की संज्ञा दी जाती है। तो रुहेलखंड का जो मिनी कुंभ है ये कहता है ककोरा मेला। ककोरा मेला कहां पर लगता है? बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था। सोनांचल एवं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये उपाधियां हैं, सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है सोनभद्र को, क्योंकि बिजली उत्पादन हो उसके मामले में सोनभद्र में बहुत सारे प्लांट हैं निजी और सरकारी क्षेत्र के। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में गौतम बुद्ध नगर सबसे अग्रणी जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत जो है 32.9% है। आगे देखते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यानी ऐसा जिला जिसमें सबसे कम जो है 10 की वृद्धि हुई है वो है कानपुर। कानपुर में ये वृद्धि कितनी हुई है? 9.9%। अधिकतम 10 की वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 49.1% की ग्रोथ हुई है 10 सालों में, यानी लगभग आधी आबादी जो है उसमें और जुड़ गई 10 सालों में। धरकरई नृत्य, थड़िया नृत्य, ये किन क्षेत्रों में के नृत्य हैं? तो धरकरई नृत्य और थड़िया नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? अक्सर जो है ये क्वेश्चन आता है, एक नाम दे दिया जाता है उसको पूर्वांचल में बताना होता कि कौन सा है। नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया नृत्य, कहारुआ नृत्य, पासी नृत्य, नटुआ नृत्य, नटुआ को नकटौरा नृत्य भी कहते हैं, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। प्रसिद्ध सरधना महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? सरधना महोत्सव बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, सरधना महोत्सव का जो आयोजन मेरठ में किया जाता है। चुनार किला और विंडम फॉल और टांडा फॉल, ये सभी बहुत फेमस जो है टहलने घूमने की जगह हैं और ऐतिहासिक भी हैं। ये सब कहाँ पर स्थित हैं? ये सब मिर्जापुर में स्थित हैं। प्राचीन ऐतिहासिक नगर कांपिल्य कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो कांपिल्य नगर जो है वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के अंदर स्थित है।
उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना यानी रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर है? तो इसको मथुरा रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं, ये मथुरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड उद्योग के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, यानी प्लाईवुड उद्योग जो है किन जिलों में प्रमुखता से होता है? तो सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद। नजीबाबाद जो स्थान है ये बिजनौर का एक औद्योगिक केंद्र है। तो इन तीन जिलों में प्लाईवुड का मुख्य व्यवसाय उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ई विलेज योजना, जिस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2010 में लॉन्च हुई थी फाइनली, उसी तरह से ई विलेज योजना यानी गांवों को शहरों के समान जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसका प्रारंभ किया गया था 21 दिसंबर 2013 को। इसका जो है सीधा संबंध है कि गांवों का आधुनिकीकरण करना। खरवार जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है सीधे सीधे, तो सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मांगती, गोंचू, ये सभी जो है खरवार जनजाति की उपजातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख उपजाति है और कम से कम उत्तर प्रदेश के 8 से 10 जिलों में इनका निवास स्थल है। पिछले वीडियोस में मैंने वो भी बताया है। अब बात करते हैं पतवार राजपूत वंश से संबंधित किसको माना जाता है, यानी कौन सी उत्तर प्रदेश की जनजाति है जिसे पतवार राजपूत वंश से संबंधित करके देखा जाता है? तो बुक्सा जनजाति को पतवार राजपूत वंश से संबंधित कराया जाता है। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से बिजनौर में निवास करती है। स्टेट टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर टीबी का मतलब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, यानी क्षय रोग के लिए जो प्रमुख जो है डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग सेंटर है जिसको शॉर्ट में एसटीडीसी कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये आगरा जिले में है, एसएन मेडिकल कॉलेज के पास में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित है, ये नोएडा में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्रों में, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में संबद्ध है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें से कृषि में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 59.3% यानी 59.3% उत्तर प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है वो किस युग की चट्टानों से निर्मित है? तो जो दक्षिणी भाग में पहाड़ी पठारी पठार क्षेत्र है वो प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर, ये राइपनिंग चैम्बर यानी केला पकाने के लिए जो है एक आर्टिफिशियल बहुत बड़ा संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की लीची उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, लीची वैसे तो आप जानते हैं बिहार का जो है सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोडक्शन का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो जिलों में, एक सहारनपुर और एक मेरठ में, यहाँ पर लीची का जो है उत्पादन किया जाता है। नई कृषि नीति जो 2013 में आई थी, यही लेटेस्ट है, तो नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था, यानी कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है उसके लिए लक्ष्य रखा गया था 5.1%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पहली चीज जान लीजिए, भारत को 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 7 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उसमें से उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश आता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और ये स्थापना प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की 1986 में की गई थी और भारत में कुल 7 केंद्र हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 यानी 1960 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन यानी जो कलमी आम होता है
स्टेम आम का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो स्टेम आम जो है सहारनपुर और मेरठ में प्रमुखता से इनका उत्पादन होता है। सबसे कम विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो वो तीन जिले हैं जहां केवल दो दो सीटें हैं, चित्रकूट, महोबा तथा श्रावस्ती। यहां पर प्रत्येक जिले में दो दो विधानसभा की सीटें हैं। कामतगिरी पर्वत तीर्थ स्थल, कामतगिरी अगर आप लोग चित्रकूट गए होंगे तो कामतगिरी की वहां पर परिक्रमा की जाती है। तो कामतगिरी तीर्थ स्थल कहां पर है? चित्रकूट में है और काफी बड़ा तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक स्थल आलमगीर, जो आपने हड़प्पा सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आलमगीर का वहां जिक्र आता है। ये आलमगीर अपने उत्तर प्रदेश में यानी मेरठ में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई थी? उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है सबसे इलाहाबाद से लखनऊ जो है 2 नवंबर 1925 को स्थानांतरित हुई थी। प्रसिद्ध चित्तौरा झील, कई बार पूछा गया है ये चित्तौरा झील कहां पर है? चित्तौरा झील बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। समान वन जीव विहार कहां पर है? समान वन जीव विहार मैनपुरी में है, ये भी पूछा जा चुका है एक बार। महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर स्थित बांध है, उसका नाम क्या है? अर्जुन बांध। उससे एक नहर निकाली गई, उसको क्या कहते हैं? अर्जुन बांध नहर। तो अर्जुन बांध नहर से महोबा के अतिरिक्त कौन सा दूसरा जिला लाभान्वित होता है? तो हमीरपुर जो है वो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है और ये चरखारी में स्थित है महोबा जिले के। सरसावा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर के हवाई अड्डे का नाम जो है सरसावा है, क्योंकि वह सरसावा नामक स्थल पर है। आगे देखते हैं, सैरा नृत्य, सौरा नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सैरा नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है एक प्रचलित नृत्य है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली नामक ग्राम में जो कि कासगंज में है वहां पर हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल यानी जो पशुओं पर जो है रिसर्च के लिए कैटल्स पर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैटल कहां पर है? ये मेरठ जिले में स्थापित है। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजिकल रिसर्च, जहां पर जो है विश्व विज्ञान पर रिसर्च की जाती है, तो ये कहां पर है? ये लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो पहले इस प्रश्न में थोड़ा विवाद की स्थिति रहता था 4, 5, 6 में, लेकिन अब जो है कंफर्म हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनका पूरा विवरण यूजीसी की वेबसाइट पर दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशिया में स्थित क्षेत्रीय इकाई कौन सी है? तो अभी जानते हैं आप, 2 वर्षों पहले ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की इकाई खोली गई है, कहां पर? वाराणसी में। 2007 में प्रारंभ ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है? तो ये उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में संचालित है। पूर्वांचल के इसमें 5 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले। तो ये जो ग्रामीण खाद्य बैंक है ये एक बैंक है, यहां पर क्या होता है खाद्यान्न का संग्रह होता है सामुदायिक रूप से, और जिनका भी यहां पर खाता होता है वो वहां से 1 क्विंटल तक का अनाज जो है निशुल्क ले सकते हैं, ऐसी वहां पर व्यवस्था होती है। तो ये ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में संचालित है। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1992 में, तब से जो है जो किसान बही मतलब बही खाता जो है उनका बनने लगा। लखीमपुर एवं बहराइच जिलों की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है?
तो लखीमपुर और बहराइच के बीचों बीच से जो है घाघरा नदी बहती है, जिसको करनाली भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। तो ये जो है लखीमपुर और बहराइच जिले की बीच में सीमा बना देती है। हिंडन नदी जो पश्चिमी यूपी की नदी है, यमुना में किस स्थान पर मिलती है? तो हिंडन नदी जो है मेरठ वगैरह से होते हुए गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर के पास जो है यमुना में मिल जाती है, यानी ये यमुना की एक सहायक नदी है। बेलन टोंस नहर, इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज जो है बेलन टोंस नहर से यहाँ पर सिंचाई प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि NH2, लेकिन NH2 कौन सा? पुराना वाला। अब जो सारे नाम बदले गए हैं नेशनल हाईवेज के, उसमें नया नंबर इसका क्या आता है? NH19। तो ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH19। अगर ऑप्शन में 2 हो तो आप 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले उसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 ही कहा जाता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष की साक्षरता दर के बीच में कितना अंतर है? यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में अंतर है 20.1%। किस प्रकार से? 77.3% पुरुषों की हो गई साक्षरता दर और महिलाओं की 57.2%। इसको घटा देंगे तो 20.1% जो है साक्षरता दर का अंतर मिल जाएगा। वयस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों ही दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़े हैं और भारत के सभी राज्य भी जुड़े हैं, यानी टोटल जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में मिला के उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात दोनों ही दृष्टि से। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988-99 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो जनघनत्व की दृष्टि से, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है 9वां स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है वो 907 है और सामान्य लिंगानुपात का औसत कितना है? 912/1000। ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा, नाम आपने बहुत सुना होगा अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? अतरंजी खेड़ा जो है ये एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण जो है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? यानी एक ऐसा जिला है जहाँ पर दोनों के ही तीर्थ स्थल जो है मौजूद हैं, वो है कौसाम्बी। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस शहर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 16.51% जनसंख्या जो है पूरे देश के अगर अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? ये दो झरनों के नाम कौन से? राजधारी और देवदारी। ये झरने चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। सब कुछ पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? इटावा। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को 1987 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहां पर है? खीरी में, लखीमपुर खीरी में है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था?
किशन पूर्व वन्य जीव अभ्यारण जो खीरी में, उसके साथ करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण जो कि बहराइच में है। उसकी सीमाएं और भी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम बहराइच कहते हैं उसको। तो इसको जोड़कर 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या नगर प्रसिद्ध है? तो कांच के लिए फिरोजाबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चूड़ी और बाकी कांच के सामान जो है वहाँ पर अति प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जो परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में है एकमात्र, वो नरौरा में है। नरौरा किस जिले में है? नरौरा बुलंद शहर में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान, तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में है आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो जो सोयाबीन का जो है मैक्सिमम जो है बुआई होती है और उत्पादन होता है वो पूरे बुंदेलखंड रीजन में होता है, वही उसका जो है प्रमुख क्षेत्र है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जिसको NCOF कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो जैविक खेती का जो राष्ट्रीय केंद्र है वो गाजियाबाद जिले में स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है, यानी भूगर्भिक दृष्टि से किस भाग का है? तो ये गोंडवाना लैंड, जो आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर कहाँ पर है? अब कानपुर नगर में बिठूर है, गंगा नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, किसकी स्मृति में दिया जाता है इस क्वेश्चन में बताना है आपको। तो संगीत रत्न पुरस्कार जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो कि एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे उनकी स्मृति में दिया जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार या इसको अभयारण्य भी कह सकते हैं आप, ये हस्तिनापुर में, लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका, मेरठ और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में इसका फैलाव है हस्तिनापुर। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या कहलाता है? तो कानपुर देहात का जो हेडक्वार्टर है उसको हम अकबरपुर माटी कहते हैं, कहीं कहीं पर जो है ये अकबरपुर माटी भी लिखा मिलता है लेकिन अकबरपुर माटी जो है सही है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत रूप से भूमि मापन की इकाई बीघा है, बीघा में जो है प्रचलित रूप से जो है भूमि मापी जाती है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत में चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो भले ही चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है लेकिन सर्वाधिक चावल जो बोया जाता है जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में, इसकी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में बुआई होती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको हम शॉर्ट में ODOP कहते हैं, ये ODOP का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी 2018 को जो है इसका शुभारंभ किया गया था। क्षेमकली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्षेमकली देवी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस संजय मिश्रा, यानी न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी? तो जब 1866 में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था वो आगरा में हुआ था। उसके बाद 1869 में ये इलाहाबाद में शिफ्ट हो गया था, यानी उसके बाद 3 साल बाद जो है ये इलाहाबाद में चला गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था?
स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा जो है 8 मार्च 1952 को गठित हुई थी। आम चुनाव के बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है आज तक विभिन्न एग्जाम में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। गीता सोस संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो अभी जो पिछला बजट आया था उत्तर प्रदेश का उसमें बताया गया था कि गीता सोस संस्थान स्थापित किया जाएगा वृंदावन में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप जानते हैं कोपेन के द्वारा जो है एक विस्तृत जो है जलवायु का वर्गीकरण किया है जिसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो इसी वर्गीकरण को आधार अगर बनाया जाए तो उन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश की जलवायु शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार में आता है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, ये जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। मोराय ताल कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, मोराय ताल जो है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कीठम झील काफी फेमस है, चर्चा में भी रहती है विभिन्न चीजों को लेके, तो कीठम झील जिसको सुर सरोवर भी कहते हैं ये कहां पर है, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। कीठम झील कहां पर है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट है ये। सुकमा डुकमा बांध कई बार पूछा जा चुका है, सुकमा डुकमा बांध कहां पर स्थित है, सुकमा डुकमा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। टोंस एवं गंगा नदी आपस में कहां मिलती हैं, यानी उनका संगम कहां होता है, सिरसा नामक स्थान है कहां पर, प्रयागराज में, यहां पर टोंस जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कुकरैल नदी किसकी सहायक नदी है, कुकरैल नदी गोमती नदी की एक सहायक नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, फुलहर झील से होता है, जौनपुर से, पीलीभीत से, सॉरी फुलहर झील से, पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है वो है संत कबीर नगर। यहां पे केवल वन क्षेत्र कितना है, 3 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन क्षेत्र यहां पर, यानी फॉरेस्ट कवर केवल 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन प्रतिशत, अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा, वहां पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछा है, यानी जो है केवल क्षेत्रफल के आधार पूछा है, यहां पर न्यूनतम वन प्रतिशतता वाला जिला पूछा है जो कि संत रविदास नगर है, जिसका दूसरा नाम क्या है, भदोही, और यहां पर वन प्रतिशतता कितनी है, 0.30%। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल एवं वन प्रतिशतता वाला जिला, यानी वन क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा हो और वन प्रतिशतता के भी माल में सबसे ज्यादा हो, कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोहेलवा वन जीव विहार कहां पर है, तो सोहेलवा वन जीव विहार थोड़ा सा विस्तृत है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, इन तीनों जिलों में जो है इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश में औसत कृषि जोत का आकार कितना है, 0.76 हेक्टेयर, ये एवरेज कृषि जोत का आकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फसल सघनता 2014-15 की जो कृषि संगणना रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल सघनता 157.53% है। उत्तर प्रदेश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बांदा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से अब चावल के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में होता है। उत्तर प्रदेश में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आगरा में होता है। और उत्तर प्रदेश में गेहूं, अब सारी फसलें जो प्रमुख हैं हो गई, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हरदोई डिस्ट्रिक्ट में होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये उत्पादन है जो मीट्रिक टन में नापा जाता है, यहाँ पर उत्पादकता अगर आ जाए तो उत्पादकता जो है एक अलग हो जाता है, वो उसके लिए दूसरे जिले हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक मुख्य जिला कौन सा है, ललितपुर, और ललितपुर ही जो है लौह अयस्क का भी जो है प्रमुख केंद्र है, क्योंकि तांबा जहां मिलता है वहां पर लौह अयस्क भी प्राप्त होता है। तो ललितपुर का सुनराई क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है।
उत्तर प्रदेश में बेंत की छड़ियां कहां पर बनाई जाती हैं? तो प्रसिद्ध रूप से केवल एक जिले में, बरेली में ही बेंत की छड़ियां बनती हैं उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, यानी सबसे बड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा माना जाता है? हथकरघा उद्योग, यानी हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जो है उद्योग है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ या प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है 18 जून 2001 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सवाना प्रकार की लंबी घास मिलती है। इम्पॉर्टेंट है, जलवायु से भी जुड़े प्रश्न आते हैं, तो सवाना प्रकार की लंबी घास जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, सबसे प्रमुख जो है मानसूनी वर्षा उत्तर प्रदेश में उसी के द्वारा होती है। बाकी कुछ परसेंट पश्चिमी विक्षोभ और बाकी होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो वर्षा का बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन के द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो बहुत फेमस है हिंडाल्को का जो कारखाना, कहां पर है? रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया था। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल तीनों ही सम्मिलित हैं? तो गंडक परियोजना जो है, गंडक नदी परियोजना, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और नेपाल तीनों ही साझा करते हैं अपनी हिस्सेदारी। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में हुई थी 1920 में। कभी कभी पूछ आता है कि भारतीय कला परिषद कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कला परिषद जो है वाराणसी में स्थापित है। पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम क्या है? तो पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति, ये आपने जरूर जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उत्तरी काली ओपदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित स्थल जो था वो कौन सा था? सोहगौरा। तो अब प्रश्न ये है कि ये सोहगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कई सारे जो है प्राचीन स्थल हैं, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता संबंधित हो चाहे उसके बाद की जो है, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। प्रसिद्ध सोरो या सूकर क्षेत्र तीर्थ स्थल, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कासगंज में जो है स्थित है। देश की कुल स्लम जनसंख्या, स्लम का अर्थ क्या है? मलिन आबादी। तो देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो देश में जितनी भी स्लम जनसंख्या है उसमें उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है वो 9.5% है। और स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ये आपको जरूर याद रखना है। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथी नंबर पर है स्लम जनसंख्या के मामले में, और पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्लम आबादी वाला शीर्ष जो है प्रदेश है भारत का। रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला जोगिनी नृत्य, ये जोगिनी नृत्य जो है रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का मतलब आप समझते हैं अयोध्या फैजाबाद, उससे रिलेटेड जो जोन है वो सांस्कृतिक रूप से अवध क्षेत्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में कितनी समितियां गठित की जाती हैं? तो जब उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का गठन होता है तो उसमें लगभग 6 समितियों का गठन किया जाता है। प्रसिद्ध देवी पाटन, आप सभी लोग जो है जरूर जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश से हैं, तो देवी पाटन या माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसी के नाम पर जो है, देवी पाटन के ही नाम पर इस मंडल का भी नाम रखा गया है, देवी पाटन नंबर मन। तो ये पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं?
तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं एन एल वेंकटेश्वर लू। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान सभापति रमेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना में जो धार्मिक जनगणना के डाटा थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत 79.73% है। और दूसरी जो सबसे बड़ी धार्मिक वो है वो कौन सी? मुस्लिम। उसमें कितना है? 19.26% जो है इनका परसेंटेज है पूरी जनसंख्या में धार्मिक रूप से। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार या सेंट्रल जेल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार जो है 6 हैं। अगला प्रश्न, 6 जिलों वाले उत्तर प्रदेश के मंडल कितने हैं? तो 3 मंडल हैं। इन तीनों मंडल के नाम क्या हैं? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इन तीनों ही मंडलों में 6-6 जिले इनके क्षेत्र में आते हैं। अलीगढ़ का अतरौली घराना, ये संगीत विधा से संबंधित घराना है, तो ये किस संगीत की विधा के लिए फेमस है? तो ये अतरौली घराना जो है ये ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है, ये अलीगढ़ का है। पिपराहवा धातुलेख, यहाँ से धातुलेख प्राप्त हुआ था, इसकी प्राप्ति स्थल किस जिले में? तो पिपराहवा नाम, पिपराहवा धातुलेख इसका नाम ही दिया गया था क्योंकि वो पिपराहवा नामक जगह पर मिला था जो कि सिद्धार्थ नगर जिले में, आधुनिक या वर्तमान सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये देवगढ़ नामक स्थान ललितपुर में स्थित है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? ध्यान रखिएगा ये मतदाताओं की संख्या के आधार पर है ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जहाँ पर 26,56,779 मतदाता जो है इस बार, यानी जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें पंजीकृत थे। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र, ये भी जानना जरूरी है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र मतदाताओं के आधार पर बागपत है, जहां पर 15,92,297 मतदाता पंजीकृत हैं। अशोक द्वारा निर्मित धर्मराजिका स्तूप ये कहां पर स्थित है? धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज, काफी नाम सुना है, कई बार जो है क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है इनके बारे में। तो गुदई महाराज किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश का ही घराना है, सबसे प्रसिद्ध बनारस घराना उससे संबंधित थे। उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोगों द्वारा, यानी सर्वाधिक लोगों द्वारा, ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने बोली कौन सी है? भोजपुरी, जो हिंदी की एक बोली है, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। बेलन घाटी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है, जो एक बड़ा कोयला खनन क्षेत्र भी है। चकिया तहसील ये कहाँ पर है? चंदौली में है। तो प्रश्न ये है कि इन तीनों जो है ऐतिहासिक स्थलों से किस काल के पुरातन साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये इनका जो है ऐतिहासिक महत्व है कि यहाँ से पुरापाषाण काल युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो महोबा में गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर जो है 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं, इसलिए काफ़ी फेमस है। तो आपको स्थल याद रखना कि ये कहां पर है, ये जो है महोबा में आता है। सोहगौरा कांस्य अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो सोहगौरा नामक स्थान कहां पर है? गोरखपुर में। और सोहगौरा कांस्य अभिलेख जो है गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो जो वर्तमान सरकार है इसने ही पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, जो कि 24 जनवरी 2018 को पहली बार मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में सैंधव सभ्यता स्थल जहां पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं कौन सा है? कपास की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में सिंधुकालीन स्थल आलमगीर
से मिले हैं। आलमगीर किस जिले में है? मेरठ जिले में है। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का केंद्रीय राजनीतिक केंद्र कौन सा था? तो ये बात हो रही है गुप्तोत्तर काल की, उस समय जो है भारत की केंद्रीय राजनीति का केंद्र था कन्नौज, और कन्नौज का एक और नाम था महोदय श्री। इसकी संपन्नता और इसकी वैभव के कारण जो है इसको महोदय श्री की भी संज्ञा दी जाती थी। प्रसिद्ध रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? ये सोनभद्र में है। च्यवन ऋषि एवं मार्कंडेय ऋषि, इनका आश्रम कहां पर है? तो ये च्यवन ऋषि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम मैनपुरी में हो है। चित्रकूट मंडल एवं देवी पाटन मंडल के मुख्यालय कौन कहां कहां पर हैं? तो ये प्रश्न यहां रखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि प्रायः आपने सुना होगा जैसे लखनऊ मंडल है, मेरठ मंडल है, तो लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ में, मेरठ का मेरठ में है, लेकिन ये दो मंडल ऐसे हैं जिनके नाम से जो है वो मैच नहीं करता है। तो चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो बांदा में है, और देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट बजट था उसमें ये घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में वैदिक विज्ञान सेंटर की स्थापना वाराणसी में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर स्थापित हो रहा है? इसकी अभी हाल ही में स्वीकृति मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है जेवर में, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं जैव विविधता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन और जैव विविधता केंद्र यानी बायोडाइवर्सिटी सेंटर की स्थापना कुकरैल वन क्षेत्र पड़ता है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश में कितने जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट यानी व्यवसायिक कोर्ट, जिनमें जो है व्यवसाय से संबंधित जो मुकदमे होंगे फैक्ट्रियों के और इस तरह के, तो कॉमर्शियल कोर्ट का गठन कितना हुआ? 13 कॉमर्शियल कोर्ट जो है अब तक उत्तर प्रदेश में गठित की जा चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर भवन, ये भी पिछले बजट में इसके लिए बजट दिया गया था, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बन रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या, यहाँ ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना कि प्रतिशतता की, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर है? सीतापुर जिले में। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदेश कौन सा है? मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदेश या राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम यानी फॉरेस्ट विलेज, वन ग्राम जो है एक स्कीम चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम था बेलहत्थी ग्राम, जो कि सोनभद्र जिले का है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई चीज पहली होती है उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रोनिका सिटी कहां पर स्थापित है? तो गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी है। कभी कभी लिखा जाता है कि गाजियाबाद क्या है, मतलब एक संज्ञा की तरह यूज होता है कि ट्रोनिका सिटी जो है गाजियाबाद। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। जनजातियों द्वारा किए जाने वाला ढरकहरी एवं चौलर नृत्य, ये किस क्षेत्र का नृत्य है? कौन कौन से नृत्य हैं ढरकहरी और चौलर? आप अगर बस ध्यान से सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको दोबारा तिबारा जो है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो ढरकहरी और चौलर नृत्य जो है ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश द्वारा पहली फिल्म नीति कब लॉन्च की गई थी, कब घोषित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश द्वारा पहली फिल्म नीति जो है 1999 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न, मेरठ का अजराडा घराना काफी फेमस है, ये अजराडा घराना किस संगीत विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल जिनका मूल नाम क्या था? महेश दास।
तो बीरबल का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में कालपी नामक स्थान पे, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य पाषाण युगीन स्थल सराय नाहर राय, सभी आपने जो है हिस्ट्री में पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री में, तो ये सराय नाहर राय जो है ये कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। चित्तू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर अस्थायी सरकार का गठन करके उसका नेतृत्व किया था? तो बलिया में चित्तू पांडे ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी और उसका नेतृत्व किया था स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए। तो ये जो है 1942 की घटना है। उत्तर प्रदेश इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका पूरे देश में जो है उद्घाटन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ कब किया गया था? वाराणसी जिले से किया गया था और 1 सितंबर 2018 को ये शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पॉलिस्टर रेसे यानी पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना कहां पर स्थित है? पॉलिस्टर फाइबर का कारखाना बाराबंकी में स्थित है। पीसीएस में ये प्रश्न जो है कई साल पहले पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहां पर किया गया है, यानी वहां पर फिल्म निर्माण का पहला सेंटर बना है उत्तर प्रदेश में, ये ओखला में बना है। इटावा घराना या गौरीपुर घराना, ये भी संगीत के ही घराने हैं, तो इटावा घराना या गौरीपुर घराना इसी का नाम है, किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सितार वादन के प्रसिद्ध घराने हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े जो है संगीतज्ञ सितार वादक निकले हैं। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर किस संगीत घराने से संबंधित हैं? तो ये भी उत्तर प्रदेश घराने से ही हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे। मिर्जापुर बांदापुर एवं चित्रकूट में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? सॉरी ये बांदा है, मिर्जापुर बांदा और चित्रकूट में कौन सी बोली का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर बुंदेली और बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नाइट सफारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रात्र में भी जो है पर्यटकों के घूमने की व्यवस्था है। तो ये पहला नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। डॉक्टर भीमराव पुलिस एकेडमी, जो कि पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पर स्थापित है? ये मुरादाबाद में स्थापित है। इंटरनेशनल परफ्यूम म्यूजियम तथा पार्क स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल परफ्यूम और म्यूजियम पार्क जो है ये ठड़िया नामक स्थान है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये 8 साइकिल ट्रैक वाला वेलोड्रम स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, जो कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था और ये इंटरनेशनल मानकों पर आधारित साइकिल स्टेडियम है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो ये था GSVM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, किस जगह पर? कानपुर में। ये स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज था। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के पास के क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं गोरखपुर के लगे हुए क्षेत्रों में, वहाँ स्थानीय भाषा में उसको डुंडवा के नाम से, डुंडवा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक सिटी स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी की स्थापना दिबियापुर, जो कि एक कॉमर्शियल क्षेत्र है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, औरैया जिले में वहाँ पर स्थापित है दिबियापुर में। और क्या है वहाँ पर? NTPC का संयंत्र भी है। विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक, तो भारत का पहला और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जिसको हम अछत्र के नाम से जानते हैं, आपने जो है एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो अछत्र की पहचान कहाँ पर की गई उत्तर प्रदेश में? तो बरेली में जो रामनगर इलाका है उसकी पहचान अछत्र के रूप में की गई है। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध नागवासुकी मंदिर और बेड़ी माधव मंदिर, ये दोनों ही मंदिर कहाँ पर हैं? तो नागवासुकी मंदिर और बेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज है, जिसमें से नागवासुकी मंदिर जो है अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। विजेथुआ महावीरन मंदिर, जहाँ हनुमान जी ने कालिनेमी राक्षस को हराया था, उसका वध किया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विजेथुआ महावीरन मंदिर जो है सुल्तानपुर जिले में स्थित है। अनाथ पिंडक एवं अंगुलीमाल स्तूप, ये दोनों स्तूप हैं, कौन कौन से? अनाथ पिंडक और अंगुलीमाल, ये स्तूप कहाँ पर है? ये दोनों ही स्तूप श्रावस्ती जनपद में स्थित हैं। बटलर पैलेस, अकबरी दरवाजा, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो बटलर पैलेस और अकबरी दरवाजा दोनों ही ऐतिहासिक महत्व के जो है स्थल है, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हैं। अत्री आश्रम एवं वाल्मीकि आश्रम, दोनों ही महर्षि हैं, महर्षि अत्री और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ये पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल भी है, चित्रकूट में ये दोनों ही आश्रम स्थित है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ में जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 सितंबर 1989, यानी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश में जो पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में, उसमें अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो लक्ष्मण पुरस्कार जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, और महिलाओं के लिए जो पुरस्कार है वो कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये महिला वर्ग में दिए जाने वाला उत्तर प्रदेश में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? ये भरवारा नामक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। जीवाश्मों वाला फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो ये फॉसिल पार्क है सलखन नामक स्थान पर सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला बागवानी सेंटर रहमान खेड़ा, जो कि लखनऊ में है, यहाँ पर पहले उपोषण बागवानी केंद्र भी स्थापित था, तो ये रहमान खेड़ा लखनऊ में जो है पहला बागवानी कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ष की संगणना या गणना कैसे की जाती है? जिस तरह से बैंक का अपना अलग जो है ईयर का सिस्टम होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग तरीके से चलता है, उसी तरह से कृषि वर्ष जो है उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। यानी अगर 2019 में कृषि वर्ष की शुरुआत होनी होगी तो 1 जुलाई 2019 को कृषि वर्ष का पहला दिन होगा, और इस कृषि वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? 30 जून 2020। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो राज्य का पहला इंडोर स्टेडियम इकाना इंडोर स्टेडियम है, जो कि लखनऊ में है। अब इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित प्रमुख जिले कौन से? तो 3 जिले जो है प्रमुखता नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डिस्कवरी पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये डिस्कवरी पार्क अमेठी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। मूंगताल एवं विसैथा ताल, मूंगताल एवं विसैथा ताल कहाँ पर है? ये दोनों ही ताल जो है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मोहदा बांध, नाम आपने सुना होगा, जो कि हमीरपुर में है, ये किस नदी पर निर्मित है, प्रश्न ये है? तो मोहदा बांध जो है ये बिरमा नदी पर स्थित है। शायद जो है नदी का नाम आप लोगों ने ना सुना हो, तो मोहदा बांध जो है बिरमा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राम गंगा बांध, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है बिजनौर में, ये सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का। पैलेडियम, प्लेटिनम एवं यूरेनियम, ये तीनों ही जो है रेयर खनिज हैं और बहुमूल्य खनिज हैं। ये तीनों ही कहाँ पाए जाते हैं? ये ललितपुर में पाए जाते हैं सीमित मात्रा में। उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण गभाना क्षेत्र, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र हो गया। उसके अलावा
मेजा कोराव क्षेत्र जो कि प्रयागराज में है, ये दोनों ही काला हिरण के संरक्षण के लिए घोषित क्षेत्र है। संपूर्ण विश्व के कुल सारस पक्षी का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में मिलता है? तो पूरे विश्व में जो सारस हैं उसका 40% अकेले उत्तर प्रदेश में है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रोंच है। तो संपूर्ण विश्व का 40% सारस जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे नया वन्यजीव विहार जो अभी हाल ही में घोषित हुआ है वो है कछुआ वन्यजीव विहार। कहाँ पर है ये? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, इसको क्या कहते हैं, UPSRTC भी कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को की गई थी। आर्मी एविएशन सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? आर्मी एविएशन सेंटर उत्तर प्रदेश में झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मलमल पर छपाई का प्रमुख केंद्र, तो ये औद्योगिक केंद्र की बात हो रही है, किस जिले में होती है मलमल छपाई? मथुरा में। मथुरा में मलमल पर छपाई का सारा काम होता है। पॉटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में कई सारे जो है औद्योगिक क्लस्टर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें पॉटरी क्लस्टर की तो खुर्जा जो कि बुलंदशहर का है वो पॉटरी क्लस्टर्स का प्रमुख केंद्र है। चेरो जनजाति का निवास कहाँ पर है? चेरो जनजाति सोनभद्र एवं चंदौली में निवास करती है। पंखा एवं पनिका जनजाति, ये जो है सोनभद्र और मिर्जापुर, इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, पंखा एवं पनिका जनजाति। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो जिस तरह से ऑक्सफोर्ड जो क्या की मान्यता है उसी प्रकार से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? चित्रकूट में है, जो निजी क्षेत्र में खोला गया था। इसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला वाला जो है विश्वविद्यालय एवं पुनर्वास केंद्र। अगर ये पूछा जाए कि सरकारी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है तो आपको लखनऊ वाला बताना है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हुलास एवं हुलासखेड़ा, ये एक साथ इस प्रश्न को लाने की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुलास नामक भी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और हुलास खेड़ा भी है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये जान लीजिए। हुलास जो स्थल है ये है सहारनपुर में, और हुलास खेड़ा कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, जो कि दोनों ही ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाजा और मरियम महल, तो आप इतने सारे नाम पढ़ के समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर इशारा कर रहे हैं। ये सारे ही जो है स्थल फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में हैं। भारत में सर्वाधिक मेंथा आयल का उत्पादक कौन है? तो भारत में सर्वाधिक मेंथा आयल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जो पूरे भारत का 90% मेंथा आयल उत्पादित करता है। अब यहीं पर विश्व में बात करें तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। बायोमास आधारित विश्व का प्रथम सिलिकॉन पावर प्लांट, बायोमास आधारित विश्व का प्रथम सिलिका पावर प्लांट कहां पर है? ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चला है? तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ग्रेफाइट के भंडारों का संकेत मिला है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है इसलिए आ भी सकता है आगे कभी। तो उत्तर प्रदेश कपड़ा अनुसंधान संस्थान या केंद्र गाजियाबाद जिले में है। आगे देखें, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। नेपाल की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद
सात हैं, ये तो हमको पता है, सातों जनपद भी याद रखिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में कि कौन सा जनपद है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तो कौन कौन से लगते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये सात जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने हैं? तीन हैं। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन तीन हैं। कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं? एक तो गोरखपुर में हो गया, चित्रकूट में और महोबा में। दक्षिणी पठार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किस प्रकार होता है? प्राकृतिक रूप से। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दक्षिणी पठार क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? केन नदी। केन नदी उसकी पूर्वी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बेतवा और पाहुज नदी। बेतवा और पाहुज नदी पश्चिमी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा गंगा एवं यमुना नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा जो है विंध्य श्रेणी बनाती है। तो ये जो है इसकी सीमा जो है जो प्राकृतिक रूप से है उसके बारे में है। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो के साथ में हमने 500 प्रश्नों का जो लक्ष्य रखा था उत्तर प्रदेश के, उसको इस वीडियो के साथ में समाप्त कर लिया है। और विश्वास मानिए, अगर आपने इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है और सारे वीडियो देखे हैं फ्रॉम 1 to last तक जो है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूपी जीके से शायद ही बाहर जाए और गलत हो, क्योंकि जितने भी अति संभावित प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, मैंने स्वयं उन प्रश्नों का संकलन इस सीरीज में किया है। इसलिए अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सारे पार्ट्स को एक बार देख लीजिए, साथ में ही पीडीएफ फाइल भी आपको दी जा रही है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इस श्रृंखला में ये लास्ट वीडियो था, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।